बारे में किदवई क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को 130 करोड़ रुपया दिया है और हावेरी में एक नया मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। सिकाओ में टेक्सटाइल पाइप की आधारशिला रखी गई, न केवल इससे रूई के किसानों को फायदा होगा, 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। हावेरी में एक मेगा डेयरी 1,00,000 लीटर के उत्पादन की क्षमता के साथ करा है और गन्ना किसानों के लिए कांग्रेस के समय में 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी दी जाती थी, आज 3,150 रुपया एफआरपी दी जाती है। ये बहुत बड़ा गन्ना किसानों के लिए फायदा है। 33 कंपनियों ने धारवाड़ और अन्य जिलों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने लगाए हैं। विजयपुरा में एक हवाई अड्डा का निर्माण भी हो रहा है। रायचूर कलबुर्गी सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाईवे को 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया जा रहा है। समग्र कर्नाटक की बात करें तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2009 से 14 में 94,000 करोड़ रुपया 94,224 करोड़ रुपया टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का मिलता था कर्नाटक को। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014 से 19 के 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया हमने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, 140% की ग्रांट की वृद्धि हुई है। उसी तरह से टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटिंग एड का योग करें तो 22,000 करोड़ मिलता था, इसकी जगह 3 गुना करकर 75,220 करोड़ रुपया कर्नाटक को मिलता है। हमने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट भी करे हैं। न्यू बेंगलुरु पोर्ट अथॉरिटी 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस 8,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस 17,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, विदर्भ कलबुर्गी बेल्लारी 7 किसानों को हम हर साल 10,000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर राहुल गांधी इससे डिस्प्यूट करे तो हम इसका जवाब दें। अगर राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि 54,00,000 किसान 2-3 परिवार के हैं तो अब आपको राहुल जी को सवाल पूछना चाहिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर जगदीश शेट्टर और बोलियो वो बीजेपी गेस्ट लॉस करता है, जगदीश शेट्टर के एग्जिट के कारण कितना लॉस? सर वो रीजन भी पूछ रहे हैं। कोई लॉस नहीं होना है, जगदीश शेट्टर स्वयं चुनाव हारेंगे। हुबरी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हुबरी ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुस्त है, एक झूठ है और हुबरी के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी को मोदी जी को ये पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो बीच में जो लोग है वो उन्होंने ठीक तरह से हाईकमांड को नहीं बताया कि जगदीश का तो क्यों निकाला जा रहा है। नहीं, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, अकेले सेक्टर जी को नहीं निकाला गया है। रीजन इनको बता दिया गया है। नहीं, हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए हैं। हम मेजोरिटी माइनॉरिटी को कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए। Just day before yesterday, Mr. Siddaramaiah gave a statement about Lingayat, the Lingayat Chief Minister. Do you think that has changed the equation for the BJP in this election? Prajamarga News. Idu Janasamanyara Dhuni.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಜಾಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ, ರಾಜ್ಯದ, ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು.